अस्सलामुअलैकुम सर। ऑल राइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पिछले क्लास में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिस्कशन शुरू की थी कि होते क्या हैं, डेटा स्टोरेज की क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसे किस तरीके से स्टोर करना है कि आपकी एक्सेस क्विक हो और एक्सेस इजी टू यूज़ हो एंड यूज़र के लिए। ठीक है, हमने कुछ इशूज़ डिस्कस किए थे जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में होते हैं, जिन्हें आपने एड्रेस करना होता है। ठीक है, तो वो सारी हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमने बात करनी है, जो बाय द वे ये अनाउंसमेंट पिछली क्लास में जो की थी, अगर किसी ने इस पे अमल नहीं किया तो इस चीज को देख ले दोबारा से। खैर, तो आज हमने क्या डिस्कस करना है, नंबर वन के डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे और क्वेरी लैंग्वेज देखेंगे, और उसके बाद हम डेटा सिक्योरिटी पे बात करेंगे। तो पहली चीज तो है कि डेटा बेस होता क्या है। एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है और उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर यूएमटी का डेटाबेस है तो उसमें डेटा क्या होगा, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा होगा टीचर की इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर क्या होगा कि टीचर की एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है कि टीचर ने किस स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है या स्टूडेंट ने किस टीचर से पढ़ा हुआ है। ये एक स्ट्रक्चर आ गया। कोर्सेज और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो स्टूडेंट ने कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं, उन कोर्सेज में स्टूडेंट का ग्रेड क्या था, जीपीए क्या था। ठीक है, तो ये सारा जो है ये मिलकर डेटाबेस बनता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा। यानी उसमें डेटा भी आ जाता है, फिजिकल डेटा जो कि फाइल की सूरत में पड़ा होता है, और उसमें एक डेटाबेस इंजन होता है। उसका काम क्या होता है कि सिंपल तरीके से उस डेटा को कैसे एक्सेस करना है, उसे रीड कैसे करना है, उसे मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, और ये एफिशिएंटली होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि आप अगर कोई डेटा रीड करना चाहते हैं तो पहली लाइन से लेके फाइल की आखिरी लाइन तक आप चलते रहें जब तक कि वो डेटा नहीं मिल जाता। नहीं, इट शुड बी इंस्टेंटेनियस आइडियली, कि अगर आपने एक वैल्यू पढ़नी है तो जिस जगह पे पड़ी हुई है आप डायरेक्ट उस जगह पे जाके उस वैल्यू को रीड कर लें। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस स्कीमा का कॉन्सेप्ट होता है। स्कीमा बेसिकली बताता है कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, यानी क्या डेटा पड़ा हुआ है, क्या किस किस की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है,
और उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, टीचर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, और उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है और स्टूडेंट जो है किसी टीचर से पढ़ता है। कोर्स और स्टूडेंट में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट एक कोर्स उठाता है उसके अंदर जीपीए लेता है। तो ये रिलेशनशिप और ये इंफॉर्मेशन ये सारा जो है ये स्कीमा कहलाता है। आगे चले, एक और चीज होती है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, एक स्पेशलाइज लैंग्वेज है, इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं या सीक्वल कह लें। तो ये बेसिकली क्या करती है कि किसी भी डेटाबेस पे आप इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उस डेटाबेस के अंदर आप वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर रीड कर सकते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें शो कर दो। ठीक है, तो वो जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सीक्वल इस्तेमाल कर लेते हैं कि कोई भी डेटाबेस होगा ये उस पर चल जाएगी। ठीक है, रिलेशनल मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मॉडर्न डेटाबेस, अब एक्चुअली क्लास जो पुराने डेटाबेसेस थे उनमें रिलेशनल मॉडल इस्तेमाल होता था, आजकल के जो डेटाबेसेस हैं उनमें भी काफी हद तक रिलेशनल मॉडल इस्तेमाल होता है, पर ये कुछ नए डेटाबेसेस आ रहे हैं जिनके अंदर ये मॉडल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, वो उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आजकल वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पर ज्यादा जो कॉमन है वो रिलेशनल मॉडल है। इस पे हम इस कोर्स में बात करेंगे। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा है उसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू टेबल्स, यानी अगर यूएमटी का डेटाबेस बनाना है तो उसमें एक टेबल होगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए, एक और टेबल होगा फैकल्टी इंफॉर्मेशन के लिए, एक और टेबल होगा कोर्स इंफॉर्मेशन के लिए, एक और टेबल होगा जीपीए का, एक टेबल शायद हो अकाउंट्स ऑफिस का। ठीक है, तो हर चीज के लिए आप एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड क्या होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का आपने टेबल बनाया है तो उस टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड होंगे। अब मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट है तो दैट मीन्स के उन 50 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो उस टेबल में पड़ी होगी। ठीक है, यूएमटी में कोई 10,000 के करीब स्टूडेंट है तो दैट मीन्स के स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल में एटलीस्ट 10,000 जो है एंट्रीज होंगी, हर स्टूडेंट के लिए एक एंट्री होगी। ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करके निकल गए हैं उनके भी शायद एंट्रीज पड़ी हो, वो डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कि स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है तो उसको उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दें या पड़ी रहने दें, आपका क्या ख्याल है, डिलीट कर देना चाहिए कि पड़ा रहना चाहिए, एनी आइडियाज। मेरे ख्याल से पड़ी रहने देते हैं इन केस फ्यूचर में काम आ जाए। कोई खास एग्जांपल है कि किस तरीके से काम आ सकता है? सर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, तो आपको कोई जरूरत हो या स्टूडेंट को लेट सपोज 10 साल बाद कोई स्टूडेंट आके कहते हैं कि मैं यहां से पढ़ा था तो आप मेरी डिग्री को टेस्ट कर दें, मेरी ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट कर दें कि मेरे ये ग्रेड थे, तो अगर आपने इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी फिर तो आपके पास पढ़ाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप पुराने स्टूडेंट का भी डेटा रहने देंगे। एनीवे आगे चले, तो हर रिकॉर्ड में रिलेटेड फील्ड्स होती हैं। फील्ड क्या होता है, कोई एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अगर टेबल जो है वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का है तो उसमें एक फील्ड होगी स्टूडेंट आईडी की, एक फील्ड होगी स्टूडेंट नेम की, स्टूडेंट जीपीए की, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट एज, ब्लड टाइप, ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, ये सारी फील्ड हो सकती हैं। ठीक है, एक जो खास फील्ड होती है उसे बेसिकली आप की कहते हैं। की क्या होता है, की एक ऐसी फील्ड है जो कि उस रो में यूनिक हो, वो किसी और के पास ना हो। यानी एक रो जो है, अब मेरी क्लास में कौन स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं, एक अबू बकर सिद्दीक बैठा हुआ है, तो अब अबू बकर सिद्दीक जो है शायद इनके अलावा भी कोई स्टूडेंट हो जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक हो। ठीक है, जीपीए जो है इनका अगर 4.0 है तो शायद 10 और स्टूडेंट हो जिनका 4.0 हो, इनकी एज, इनकी डेट ऑफ बर्थ और किसी और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, पर इनके पास क्या ऐसी चीज है जो किसी और स्टूडेंट के पास नहीं होगी, वो है इनका स्टूडेंट रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी।
आईडी यूनिक है, वो सिर्फ इनकी है, ठीक है। तो आईडी वाली फील्ड जो होगी उसे आप फिर की कह देते हैं। की का मतलब है ये वो वैल्यू है जो कि सिर्फ एक, यानी मल्टीपल रोज है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो उस टेबल में सिर्फ एक रिकॉर्ड के पास ही वो वैल्यू होगी, किसी और के पास नहीं होगी। यानी एक और एग्जांपल है कि हम लोगों का नादरा में जो डेटा पड़ा हुआ है, अब मेरा नाम आदिल रिया खान है, शायद पाकिस्तान में कोई और शख्स उसका नाम भी यही हो। इधर एक स्टूडेंट का नाम राहील है, एक का नाम अजान भट्ट है, एक का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है, और क्या नाम है, नुमान क्यूम, तहरीम जफर, मोहम्मद सदाम। अब ये लोग जो है, ये सिर्फ इनका पूरे पाकिस्तान में ये नाम नहीं है, शायद किसी और इंसान का भी यही नाम हो। पर नादरा, अब लेट्स वो खबर आती है कि इस नाम वाले ने टॉप किया है, तो अब कैसे पता लगेगा कि किसने टॉप किया है मैट्रिक में, फॉर एग्जांपल मैट्रिक ने इंटर में फॉर एग्जांपल, तो उनका एक आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा। अब वो आईडी कार्ड नंबर जो है वो सिर्फ एक शख्स का होता है, वो और किसी का नहीं होता पूरे मुल्क में। तो वो जो है वो की होगी, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है आपको, वो आपके अलावा इस दुनिया में किसी और की नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगली बात है कि की जो है एक फील्ड भी हो सकती है और मल्टीपल फील्ड भी हो सकती है, यानी दो तीन फील्ड मिलके एक यूनिक वैल्यू बनाती हैं, तो वो फिर आपकी एक कंपाउंड की होती है जिसमें मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। एक सवाल है कि फोन नंबर कैन बी अ की, फोन नंबर कैन बी अ की, इसमें एक मसला है। फोन नंबर में मसला ये है कि अब मेरे, आपसे 15 साल पहले मेरा एक मोबाइल का फोन नंबर था, ठीक है, फिर मैंने उस नंबर को चेंज करवा दिया, अब वो पुराना नंबर जो है वो किसी और को साइन हो गया हुआ है, तो फिर फोन नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। पर जैस आपने जो मशवरा दिया है वो अच्छा है सेंस में है, क्योंकि ये हो सकता है कि हुकूमत जो है रूल बना दे कि अगर किसी एक शख्स को कोई नंबर साइन हो गया है तो अब वो नंबर कभी किसी और को साइन नहीं होगा, वो फोन नंबर आप सारी जिंदगी उसका है और उसके मरने के बाद भी उसी का रहेगा। तो अगर इस तरह का हुकूमत रूल इंप्लीमेंट करती है तो ठीक है, फोन नंबर आपकी की हो सकती है, पर अगर ये रूल नहीं है तो फिर मसला क्या है कि अगर आपने फोन चेंज किया, कंपनी चेंज की, तो आपका फोन नंबर भी चेंज हो जाएगा, तो इसी वो फिर की नहीं हो सकती। और दूसरा मसला क्या है कि एक शख्स के मल्टीपल फोन नंबर भी हो सकते हैं, यानी अगर आपका डुअल सिम फोन है तो आपके पास दो नंबर होंगे, तो एज अ स्टूडेंट आपकी आईडी तो दो नहीं होती ना, आपकी आईडी तो एक ही होती है, तो इस तरह की चीज भी हो सकती है। पर ज्यादा मसला है कि यूनिकनेस का, कि यानी वो नंबर किसी और को भी मिल सकते हैं जब आप उसे छोड़ेंगे, तो इसलिए वो की नहीं है, ठीक है, क्लियर है आपको। पर जैस आपने सोचा अच्छा था, आपकी सोच सही चल रही थी, सही डायरेक्शन में चल रही थी। ओके, अगला पॉइंट है कि हर फील्ड में एक सिंगल वैल्यू पड़ी होती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होती, यानी आपका नाम है उसके अंदर एक ही नाम पड़ा होगा, आपका जीपी है उसके अंदर एक ही जीपीए पड़ा होगा, आपकी आईडी है उसके अंदर एक ही आईडी होगी, ठीक है। तो ये जो है ये पूरे का पूरा एक एंटिटी बन जाती है, और इसके अंदर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, चले वो आगे देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और दूसरी बात ये कि टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनमें वही फील्ड होती है, यानी अगर स्टूडेंट टेबल है तो अगर उस टेबल में आईडी, नेम और जीपीए की फील्ड्स हैं, तो फिर हर रिकॉर्ड के लिए ये तीन फील्ड होंगी। ये नहीं है कि किसी के लिए आईडी हो, किसी के लिए सीएनआईसी हो, किसी के लिए रोल नंबर हो, किसी के लिए कुछ और हो, नहीं, एक टेबल है उसमें ये तीन फील्ड हैं, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितनी एंट्रीज हैं, उन सारों के लिए यही तीन फील्ड होंगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सपोज आपके एक मूवी डेटाबेस है, तो आपका एक टेबल है मूवी का नाम से, उस टेबल में मूवी आईडी की फील्ड है, टाइटल की फील्ड है, जॉनरा की फील्ड है और रेटिंग की फील्ड है,
और आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड कौन सा है, एक रिकॉर्ड है एक ये रिकॉर्ड है आईडी 101, टाइटल सिक्स सेंस, जॉनरा थ्रिलर हॉरर और रेटिंग PG-13 है। दूसरा रिकॉर्ड क्या है, उसमें चार फील्ड है, मूवी आईडी 102, टाइटल बैक टू द फ्यूचर, जॉनरा कॉमेडी एडवेंचर और रेटिंग PG। और इस तरीके से ये भी आपके डिफरेंट रिकॉर्ड हैं जो कि एक ही टेबल में पड़े हुए हैं। आगे आ जाए फिर आपका एक और, अच्छा अब इस टेबल को स्कीमा के तौर पे कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्कीमा के तौर पे रिप्रेजेंट करने का मतलब है आप स्पेसिफाई करते हैं टेबल का नाम, फिर आप फील्ड स्पेसिफाई करते हैं और बताते हैं आया वो फील्ड की है कि नहीं, यानी मूवी आईडी जो है वो की है, मूवी आईडी यूनिक है, ये किसी और मूवी के लिए सेम नहीं होगी। अलबत्ता मूवी का टाइटल है वो यूनिक नहीं है, यानी आपके पास एक ही मूवी, एक ही नाम होगा जो कि मल्टीपल मूवीज का हो सकता है। कोई एग्जांपल देगा, आपने कोई मूवी देखी जिसका सेम नाम हो? खैर अभी दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। यूजली रीमेक होते हैं तो वो फिल्म का नाम वही होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो टाइटल होगा, फिर अगली फील्ड है जॉनरा, और वो आप देख सकते हैं कि कई फिल्म का सेम जॉनरा हो सकता है, यानी हॉरर की बात करें तो इवल डेड हॉरर थी, एक्सोरसिस्ट हॉरर है, और द रिंग वो भी हॉरर थी, मिरर्स वो भी हॉरर थी। तो आपको नजर आ रहा है कि हॉरर जो है वो मल्टीपल फील्ड, मल्टीपल डिफरेंट मूवीज हो सकती है, तो इसलिए जॉनरा जो है वो की नहीं बनेगी, टाइटल भी की नहीं बनेगा क्योंकि मल्टीपल मूवीज का सेम नाम हो सकता है। रेटिंग जो है ये भी मूवीज की सेम हो सकती है, मल्टीपल मूवीज की सेम हो सकती है, पर खैर मूवी आईडी जो है वो यूनिक है, वो सिर्फ एक मूवी की होगी, दूसरी मूवी की आईडी फर्क होगी, तो इसलिए उसे आपने एज की स्पेसिफाई कर दिया। एनीवे तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है और बता रही है कि उस टेबल में क्या क्या फील्ड है और बता रही है कि कौन सी फील्ड जो है वो यूनिक की है। आगे चले तो ये स्कीमा हो गया। एक और टेबल का एग्जांपल लें तो कस्टमर टेबल है, इसमें हर कस्टमर की इंफॉर्मेशन है जो कि मूवीज को बोरो करता है। एक कस्टमर की, इसमें कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नाम है, उसका एड्रेस है और उसकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सेम लोगों के नाम, सेम मल्टीपल लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, और कस्टमर आईडी जो है वो हर किसी की फर्क होगी, ये यूनिक है, नेम एड्रेस क्रेडिट कार्ड। वैसे तो क्रेडिट कार्ड नंबर भी यूनिक हो सकता है, पर इट इज पॉसिबल कि क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी के बाद काफी साल के बाद शायद वही नंबर किसी और को साइन हो जाए, या एक पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी और मुल्क में शायद वही हो। अगर इस तरह का सीन है तो फिर क्रेडिट कार्ड नंबर यूनिक नहीं होगा, वरना क्रेडिट कार्ड नंबर यूनिक हो सकता है और ये भी की हो सकती थी। अच्छा बाय द वे एक और चीज है, ये भी मुमकिन है कि क्रेडिट कार्ड नंबर सारों के यूनिक होते हैं, पर इट इज पॉसिबल कि किसी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड नंबर हो ही ना, यानी आप में से कितने लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, स्टूडेंट के पास चांसेस आर किसी के पास भी नहीं होगा, तो फिर अगर क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो फिर आपकी एंट्री कैसे होती है? तो इसलिए जो की होना लाजमी है, की के बगैर एंट्री नहीं हो सकती, तो की इसीलिए फिर आप कहते हैं कि कस्टमर आईडी को की बनाओ, क्योंकि गारंटीड है कि ये हर कस्टमर की होगी और हर कस्टमर की दूसरे से अलहदा होगी। क्रेडिट कार्ड यूनिक है पर गारंटीड नहीं है कि हर कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड हो, इसलिए इस चीज को आप की नहीं बना सकते। एनीवे मूविंग ऑन, फिर आप एक और टेबल बना सकते हैं, और इस टेबल का मकसद क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है, यानी ये रेंट का टेबल है, इसमें आपने क्या इंफॉर्मेशन डाली है, कस्टमर आईडी और मूवी आईडी, और साथ आपने बता दिए कि ये मूवी किस डेट पे आपने बोरो की थी और किस डेट तक आपने इस मूवी को वापस करना है, ठीक है। ऑल राइट, और रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप जो इनहेरेंट है जो आपको नजर आ रही है मेंशन किए बगैर,
वो जी है कि किस कस्टमर ने किस मूवी को खरीदा, बोरो किया सॉरी। इस टेबल से आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर 103 जो है उसने मूवी 104 को बोरो किया था और उसने मूवी 5022 को बोरो किया था। कस्टमर 105 जो है उसने मूवी 107 को बोरो किया था। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप इस टेबल से आपको पता लग गई कि कौन से कस्टमर ने कौन सी मूवी को किस डेट पे बोरो किया था और कौन सी इसकी ड्यू डेट थी वापस करने के लिए। एनी क्वेश्चंस? तो यानी एक टेबल से आप किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं और एक टेबल के थ्रू आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अब ये एक एग्जांपल है। सवाल ये है कि क्या हमें रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए। ये रिलेशनशिप वाला टेबल, इसका कोई फायदा है कि हम रहने दें? ठीक है, यानी इस जुमले का क्या मतलब है कि मैं ये चीज ना करता और मैं क्या करता कि एक बड़ा कस्टमर टेबल बनाता, उसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, जो अपनी इंफॉर्मेशन थी वो तो रखता, उसके अलावा उसे जो मूवी बोरो की है वो भी इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी होती, यानी मूवी आईडी, डेट रेंटेड और डेट ड्यू डेट। तो फिर ये रेंट वाली जो टेबल है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, समझ आइए। यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कस्टमर वाले टेबल के अंदर ही चार एडिशनल फील्ड डाल दी हैं, जहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन कस्टमर है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है और वो कौन सी मूवी लेके गया है, किस डेट पे और कब वापस करनी है। ठीक है, पर इस अप्रोच में फिर मसला है, यानी अगर आप इतना बड़ा एक टेबल बनाते हैं तो इसमें मसला है। और वो मसला क्या है कि अगर आप, मसला क्या है, एक तो रेपुटेशन क्या है और एक एम्प्टी फील्ड्स का मसला है। रेपुटेशन का क्या मतलब है कि अगर एक कस्टमर है जो कि 10 मूवीज लेके गया है तो दैट मीन कि 10 रो होंगे, उन 10 रोज में मूवी आईडी फर्क होगी, डेट रेंटेड फर्क होगी, ड्यू डेट फर्क होगी, पर कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस और क्रेडिट कार्ड ये रिपीट हो रहा होगा। तो बेसिकली ये चार वैल्यू 10 दफा रिपीट हो रही होंगी क्योंकि वो 10 मूवीज लेके गया। ठीक है, अब ये रेपिटेशन जो है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो अब आप एक बात याद रखें, लेट सपोज एक कंपनी के 1,00,000 कस्टमर है, वो पिछले 10 सालों में कोई 1 करोड़ मूवीज जो है उन्होंने बोरो की है। तो अब 1 करोड़ दफा ये इंफॉर्मेशन अगर रिपीट हो रही है तो वो तो बहुत ज्यादा जगह ले लेगा। आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक दफा एग्जिस्ट करे और ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेशक जितनी दफा मूवी बोरो की है, जितनी मूवीज थी उनके लिए आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। पर इनएफिशिएंट तब था जब अगर आपने 10 मूवीज बोरो की हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी 10 दफा रिपीट हो। यानी मैं अगर आपको कहता हूं कि कागज पेंसिल निकालें और कॉपी पे नाम लिखें कस्टमर का, उसका एड्रेस लिखें, उसकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लिखें और उसकी कस्टमर आईडी लिखें और इस कस्टमर ने ये अपनी जिंदगी में ये 1,000 मूवीज बोरो की हैं, तो आप उन 1,000 मूवीज का नाम, रेंट, ड्यू डेट वगैरह तो लिख लेंगे, पर क्या आप 1,000 दफा ये चीज भी लिखेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप कहेंगे कि वक्त जाया हो रहा है, जगह जाया हो रही है। आप एक दफा लिख देंगे और फिर कहेंगे कि ये 10,000 जो इंफॉर्मेशन है, सॉरी ये 1,000 मूवीज जो है ये इसी कस्टमर की है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये टेबल अलहदा बनाने का फायदा क्या हुआ है कि अब ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ एक दफा रिपीट कर रहे हैं, बस एक दफा। और इस टेबल में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फलाना कस्टमर था, उसकी आईडी 103 थी, तो उसने ये 2 मूवीज रेंट की हैं, तो वो रेपुटेशन जो है वो कम हो जाती है। यानी हर दफा आपका नाम, एड्रेस और क्रेडिट कार्ड रिपीट नहीं होगा,
कस्टमर आईडी आपको नजर आ रही है कि हर दफा रिपीट हो रही है, विच इज फाइन, एक छोटी वैल्यू रिपीट करने से आपको तकलीफ नहीं होती। बहुत ज्यादा फील्ड आप रिपीट करें और बड़ी बड़ी फील्ड, यानी एक आईडी छोटी है पर नाम ज्यादा जगह लेता है, एड्रेस उससे भी ज्यादा जगह लेता है, क्रेडिट कार्ड ज्यादा जगह लेता है, ठीक है। तो एक बात तो ये कि रिलेशनशिप वाले टेबल आपको चाहिए होते हैं ताकि रेपुटेशन ना हो, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसका आप एक अलग टेबल बना देते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है एम्प्टी फील्ड्स की। एम्प्टी फील्ड का क्या मतलब है कि आपने एक डेटाबेस बना दिया है। अब देखिए, अगर आपने एक बिग कस्टमर टेबल बनाया है, ठीक है, और लेट सपोज आपके पास कोई 10,000 कस्टमर हैं जिन्होंने अभी तक कोई मूवी बोरो नहीं की, तो बिग कस्टमर टेबल में क्या होगा कि उन 10,000 कस्टमर का कस्टमर आईडी पड़ा होगा, नाम पड़ा होगा, एड्रेस पड़ा होगा, क्रेडिट कार्ड पड़ा होगा, पर अगली तीन फील्ड जो है वो बिल्कुल खाली होंगी। डेटाबेस बना हुए वो तीन फील्ड है पर उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी, तो वो जगह जाया करने वाली बात है। तो इसीलिए आपका एक अलग अगर टेबल होगा तो उसका फायदा क्या है कि एक टेबल में तो आपके सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पड़ी होगी जो कि हर किसी की है, और ये इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ उन लोगों की इस टेबल में पड़ी होगी जिन्होंने कोई मूवी बोरो की है, जिन्होंने बोरो नहीं की उसकी फिर इंफॉर्मेशन भी नहीं पड़ी होगी। अगर किसी ने कुछ बोरो नहीं किया तो ये पूरा टेबल जो है ये खाली होगा, ठीक है। तो इसलिए रिलेशनशिप इस्तेमाल करने का एक फायदा होता है रिलेशनशिप वाले टेबल का, वो आपकी जगह भी रेपुटेशन भी रिड्यूस करता है और जो एम्प्टी फील्ड है उन्हें भी मिनिमाइज करता है, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलें। तो अगला सवाल है कि इस टेबल में जो रेंट्स का टेबल है, नहीं एक्चुअली जो आपका टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी नेम एड, ओके क्लास जी है, ठीक है। अगर आपका एक टेबल है जिसके अंदर कस्टमर आईडी नेम एड्रेस क्रेडिट कार्ड और मूवी आईडी डेट एंटेड और ड्यू डेट पड़ा हुआ है तो उसमें यूनिक की क्या होगी, तो कस्टमर आईडी तो यूनिक की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर एक कस्टमर ने 10 मूवीज बोरो किए हैं तो उसकी 10 एंट्रीज होंगी और उन 10 की 10 एंट्रीज में कस्टमर आईडी वही होगा, तो यानी कस्टमर आईडी तो यूनिक नहीं है। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, जो की होगी वो कस्टमर आईडी और मूवी आईडी दोनों को कंबाइन करके बनेगी, यानी मूवी आईडी और कस्टमर आईडी ये की है तो ये यूनिक है कि नहीं। तो यस, एक कस्टमर ने मूवी बोरो की है तो उस मूवी की भी एक अपनी आईडी है और एक कस्टमर की भी एक अपनी आईडी है और उसकी एक एंट्री बन जाएगी और ये एंट्री यूनिक होगी। अच्छा क्लास, एक सवाल है, कोई मेरे से डिसएग्री करेगा? मैंने कहा है कि कस्टमर आईडी और मूवी आईडी जो है ये दोनों मिलके की बनेंगे, कोई डिसएग्री करता है मेरे से? जवाब दें, कौन डिसएग्री करता है? करें यार, डिसएग्री करें। कस्टमर आईडी और मूवी आईडी कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें ये यूनिक ना हो इस टेबल के अंदर? ऑलराइट क्लास, तो इट इज पॉसिबल कि आपने एक मूवी बोरो की है और एक साल बाद आपका दिल किया कि वही मूवी दोबारा बोरो करें, बहुत मजे की थी, तो इन दैट केस आपके टेबल में दो रोज होंगे जिनमें कस्टमर आईडी और मूवी आईडी सेम होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पता है कि इस तरह का सिनेरियो हो सकता है तो फिर आपकी की जो है वो कस्टमर आईडी और मूवी आईडी नहीं होगी, फिर आपकी की कस्टमर आईडी, मूवी आईडी और डेट रेंटेड होगी। क्योंकि अगर आपने एक दिन में कोई मूवी बोरो की है तो ऑब्वियसली उस दिन पे वही मूवी बार बार बोरो नहीं हो सकती, उस दिन में एक मूवी एक दफा ही बोरो होगी ना। तो अब ये तीन अगर आप ट्रीट करें तो ये तीन अब यस, ये कंफर्म्ड यूनिक है, यानी अगर किसी ने एक डेट पे एक मूवी बोरो की है तो ये एंट्री यूनिक होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी कस्टमर ने एक मूवी एक ही दिन पे दो दफा बोरो की हो, ठीक है। तो याद रखें कि डेटाबेस की जो की होती है दैट हैज टू बी यूनिक। अगर एक फील्ड यूनिक नहीं है तो आप दो फील्ड देखें,
अगर दो फील्ड यूनिक नहीं है तो आप तीन फील्ड चेक करें कि ये तीनों यूनिक होते हैं कि नहीं, और अगर सारे यूनिक, अगर वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होगा कि आपका एक ऐसा टेबल बनेगा जिसमें सारी की सारी जो फील्ड हैं वो कट्ठे कंबाइन हो के आपकी एक यूनिक की बनेगी। ऐसे भी हो सकता है कि टेबल में सारी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ही की बन रही हैं। एनी क्वेश्चन क्लास, या शुड वी मूव ऑन? ठीक है, अब क्वेरीज की बात करते हैं। तो एसक्यूएल जो है सीक्वल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप डेटाबेसेस को रीड कर सकते हैं या उन्हें चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली टाइप की जो क्वेरी है वो सिलेक्ट क्वेरी होती है। सिलेक्ट क्वेरी का मकसद क्या होता है कि आपने डेटाबेस में से कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसे व्यू करना है, उसे इस्तेमाल करना है। तो वो क्वेरी की इंफॉर्मेशन, वो क्वेरी क्या होगी उसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आप लिखते हैं सिलेक्ट, फिर आप लिखते हैं एट्रीब्यूट लिस्ट, यानी कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। फिर आप लिखते हैं फ्रॉम, और फिर आप स्पेसिफाई करते हैं कि किस किस टेबल में से ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और उसके बाद आप वेयर लिखते हैं, और उसके बाद आप कंडीशन लिखते हैं कि कंडीशन फॉर एग्जांपल हो सकती है कि मैं कहता हूं कि सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम ग्रेड टेबल वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो कंडीशन क्या है कि मार्क्स 50 से ज्यादा हो, यानी पास कौन कौन हो रहा है। तो इस तरह की डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और सिंगल सिलेक्ट फील्ड जो है वो, सिंगल सिलेक्ट जो है वो मल्टीपल फील्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, और रिजल्ट जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि लेट्स सपोज मैंने स्टूडेंट को स्टूडेंट का नाम देखना है, उनके मार्क्स देखने हैं, और सॉर्टेड बाय मार्क्स के हाईएस्ट जो है वो पहले नजर आए और जो लोएस्ट है वो सबसे एंड पे नजर आए। और ये जो क्राइटेरिया की जब हम कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो वो कंडीशन में एग्जैक्ट मैच भी हो सकता है और पार्शियल मैच भी हो सकता है। इसके हम एग्जांपल अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वही तीन टेबल है, एक मूवी टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, एक रेंट टेबल है। सिलेक्ट क्वेरी का फॉर्मेट क्या होता है? सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम टेबल लिस्ट वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल है सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम मूवी वेयर रेटिंग इज इक्वल टू पीजी। अगर नंबर है इंटीजर कोई होता तो आपको ये सिंगल कोट नहीं चाहिए थे, पर अगर आपने किसी टेक्स्ट के साथ कंपेयर करना है जैसे सी प्लस प्लस में होता है तो टेक्स्ट के लिए फिर आप सिंगल कोट इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, तो इस केस में क्या हो रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं? तो वो एट्रीब्यूट है टाइटल का। किस टेबल में से? मूवी के टेबल। किस टेबल में से? मूवी के टेबल में से। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी, एट्रीब्यूट लिस्ट स्पेसिफाई होगी और टेबल लिस्ट स्पेसिफाई होगी। अब अगली चीज है कंडीशन, वेयर रेटिंग इज इक्वल टू पी जी। तो रेटिंग इज इक्वल टू पी जी का मतलब है कि एक यहां पे रेटिंग पी जी है, एक यहां पे रेटिंग पीजी है, और बस एग्जैक्ट मैच जो पीजी का है वो सिर्फ इन दो रोज में है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि इन दो रोज में से सिर्फ और सिर्फ हम टाइटल के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा? बैक टू द फ्यूचर, और नीचे एक और अगली एंट्री, अगली जो चीज नजर आएगी वो होगी फील्ड ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी, आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो क्लास ये एक एग्जांपल हमने किया है एसक्यूएल क्वेरी का, एक और एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, और यहां पे आपको नजर आ रहा है कि कंडीशन कोई नहीं है। जब कंडीशन ना स्पेसिफाई की हो तो उसका मतलब होता है कि जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे के सारे रिटर्न कर दो।
सारे रिजल्ट रिटर्न कर दो, ठीक है? ऑलराइट, तो इन दिस केस क्या होगा, सिलेक्ट नेम एड्रेस और कस्टमर, ये कस्टमर है, इसमें नेम और एड्रेस आपने रिटर्न करना है, सिर्फ नेम और एड्रेस। तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, डेनिस कुक, और एड्रेस क्या है, 123 मेन स्ट्रीट। अगली लाइन पे क्या आएगा, डग निकल, और उसका एड्रेस क्या है, 456 सेकेंड एवेन्यू, ठीक है? फिर आगे रैंडी वुल्फ होगा, और इस तरीके से जितनी भी एंट्रीज हैं उन सारों के नेम और एड्रेसेस जो हैं वो स्क्रीन पे लिखे हुए आ जाएंगे, या जहां पर भी आपने इस्तेमाल करना है वो आपको मिल जाएगा डेटा, ठीक है? तो ये एक और एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर जॉनरा लाइक। अच्छा, बहुत ज्यादा चीजें इधर हो रही है। पहली बात तो ये है कि किस टेबल की हम बात कर रहे हैं, मूवी टेबल की। इस टेबल पे आ जाए, इस टेबल पे हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट व्हाट, कौन सी फील्ड में हम इंटरेस्टेड हैं। तो क्लास सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है कि जितनी भी फील्ड्स हैं हम उन सारी फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, यानी मूवी आईडी, टाइटल, जॉनरा, रेटिंग, हम इन चारों में इंटरेस्टेड हैं, ये चारों डिस्प्ले करो। और कंडीशन क्या है, जॉनरा लाइक, परसेंटेज एक्शन परसेंटेज। इस चीज का क्या मतलब है, और ये बाय द वे सिंगल कोट्स के अंदर है, यानी टेक्स्ट है, इंटीजर नहीं है, टेक्स्ट है। ऑलराइट, तो जॉनरा लाइक का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट मैच होना लाजमी नहीं है। परसेंटेज एक्शन परसेंटेज का मतलब है कि कोई भी यानी जॉनरा फील्ड में कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसमें एक्शन आता हो, यानी परसेंटेज का मतलब है कि एक्शन से पहले कुछ हो या ना हो, और एक्शन लफ्ज के बाद कुछ हो या ना हो। इस चीज का क्या मतलब है, यानी एक्शन साइफाई जो है ये इससे मैच करेगा। क्यों? क्योंकि एक्शन आ रहा है, और एक्शन के बाद परसेंटेज का मतलब है कि वो साइफाई जो है वो इस परसेंटेज से मैच करता है। ये एक और एक्शन साइफाई है, इसका मतलब है कि एक्शन मैच है और परसेंटेज जो है साइफाई से मैच कर रहा है। फिर एक्शन ड्रामा वॉर, यानी एक्शन एक्शन से मैच कर रहा है और ड्रामा वॉर जो है वो परसेंटेज से मैच कर रहा है। क्लास इस तरह का भी कोई लफ्ज हो सकता था कि थ्रिलर एक्शन, तो इन दैट केस एक्शन एक्शन से मैच करता और थ्रिलर जो है वो पहले वाले परसेंटेज से मैच करता। तो ये परसेंटेज जो है ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। इसका मतलब है कि इस परसेंटेज की जगह पे कुछ भी टेक्स्ट आ सकता है, जो भी टेक्स्ट आ जाएगा हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो मैच ही है, ठीक है? एनीवे, तो इस क्वेरी में फिर क्या हो रहा है कि मूवी में से वो सारी फील्ड्स, वो सारे रिकॉर्ड लेके आओ जिनकी जॉनरा में एक्शन का लफ्ज कहीं ना कहीं आ रहा है, और ऐसे रिकॉर्ड की क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, सब कुछ। तो बेसिकली स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा जब ये क्वेरी रन करेंगे, तो सबसे पहले 107 एक्समैन एक्शन साइफाई PG-13 ये लिखा हुआ आएगा। अगली लाइन के ऊपर 5793 इंडिपेंडेंस डे एक्शन साइफाई PG-13 ये लिखा हुआ आएगा, और उससे अगली लाइन पे 7442 प्लाटून एक्शन ड्रामा वॉर आर ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर ये तीन चीजें आपको लिखी हुई आ जाएंगी। तो ये एक और क्वेरी हो गई। अगली क्वेरी का एग्जांपल लेना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर रेटिंग इज इक्वल टू आर ऑर्डर बाय टाइटल। तो क्लास देखें, अभी तक जो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट की थी उसमें सिलेक्ट था, एट्रीब्यूट लिस्ट थी, फ्रॉम था, टेबल लिस्ट थी, और वेयर कंडीशन। कंडीशन के बाद जो है आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ऊपर क्या प्रोसेसिंग करनी है, यानी उसे ऑर्डर बाय टाइटल करना है, ठीक है? ऑर्डर जो है वो असेंडिंग होना चाहिए कि डिसेंडिंग होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं रिजल्ट के साथ, ठीक है? तो इन दिस केस क्या होगा कि
जितनी भी मूवीज हैं उनमें से जितनी भी आर रेटेड मूवीज हैं, एक ये और एक ये, तो ये तीन मूवीज जो है इनकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी सॉर्टेड बाय अल्फाबेटिकली बाय टाइटल। तो टाइटल में एलियन का नाम ए से शुरू होता है तो वो पहले आएगा, उसके बाद ई जो है वो पी से पहले आता है और पी बिल्कुल एंड पे आता है। ठीक है, वैसे अगर एलियन जो है प्लाटून के बाद अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता तो ऑर्डर बाय टाइटल का मतलब था कि जब डिस्प्ले होता तो वो पहले ही होता, क्योंकि वो शुरू ए से हो रहा है तो अल्फाबेटिकली ए जो है वो पी से पहले आता है। एनीवे ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया। एनी क्वेश्चन क्लास, अभी तक कोई सवाल है? अभी तक हमने सिंपल क्वेरीज की है, कोई सवाल है तो पूछ लें। ऑलराइट, आखिरी जो क्वेरी है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस क्वेरी में क्या हो रहा है ये समझें। सिलेक्ट स्टार, उसका तो मतलब है कि सब कुछ दिखा दो, फ्रॉम मूवी कॉमा कस्टमर कॉमा रेंट। यानी अब तीन टेबल है, मूवी कस्टमर और रेंट तीनों, और इसमें आपने कंडीशन क्या लगाई है, वेयर मूवी डॉट मूवी आईडी, यानी मूवी टेबल है उसकी फील्ड मूवी आईडी है, दैट शुड बी इक्वल टू रेंट टेबल की फील्ड मूवी आईडी। एंड बाय द वे अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो आप एंड लगा देते हैं, और भी हो सकता है पर उसे अभी छोड़ना है, अभी सिर्फ एंड की बात ही करना। एंड कस्टमर टेबल की जो कस्टमर आईडी फील्ड है दैट शुड बी इक्वल टू रेंट टेबल की कस्टमर आईडी फील्ड। अब क्लास इसका रिजल्ट क्या होगा, रेंट टेबल है इसमें कस्टमर आईडी क्या है 103, कस्टमर टेबल है उसमें ढूंढे कस्टमर आईडी 103, फिर मूवी आईडी 104 है, मूवी टेबल में 104 ढूंढे वो इधर आता है। तो अब पहला जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो क्या होगा, मूवी मूवी आईडी 104, मूवी टाइटल फील्ड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, जॉनरा फैंटेसी, रेटिंग पीजी। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अगली चीज कस्टमर में आ जाए, कस्टमर 103 कौन था, रैंडी वुल्फ, उसके बाद उसका एड्रेस, सॉरी कस्टमर आईडी पहले आएगी ना, कस्टमर आईडी क्या है 103, उसके बाद उसका नाम रैंडी वुल्फ, उसके बाद उसका एड्रेस 789 एल्म स्ट्रीट, उसके बाद उसका क्रेडिट कार्ड नंबर जो कि 4253 53 और उसके बाद कुछ है। ठीक है, उसके बाद रेंट में डेट रेंटेड, सॉरी डेट रेंटेड क्या थी, 3/12/2002, और उसके बाद डेट ड्यू 3/13/2002। तो क्लास आपको नजर आया है कि आपने इन तीनों टेबल को जोड़ा है, और जोड़ किस चीज पे लगाया है, कस्टमर आईडी और मूवी आईडी पे। तो इस टेबल से आपने देखा है कि कस्टमर आईडी क्या है और उस कस्टमर की आप सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी, फिर इसी टेबल से आपने देखा है कि मूवी आईडी क्या है, उस मूवी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी, फिर इसी टेबल में जो बाकी फील्ड रह गई थी वो भी आपने डिस्प्ले कर दिया। तो ये एक रिजल्ट रिटर्न हुआ है। अगला रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, कस्टमर आईडी 103 है, कस्टमर आईडी 103 है तो वो इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी, मूवी आईडी 5022 है, यानी ये तो अब मूवी वाली जगह पे क्या आ जाएगा, मूवी वाली जगह पे आएगा मूवी की आईडी 5022, मूवी का नाम एलिजबेथ है,
उसका जॉनरा ड्रामा पीरियड है और उसकी रेटिंग आर है, ठीक है। तो ये मूवी की इंफॉर्मेशन आ गई, कस्टमर आईडी वही थी, तो 103 रेंडीवू 789 एल्म स्ट्रीट और 425 जो भी उसका क्रेडिट कार्ड है वो आ गया। और फर्क चीज, एक और फर्क चीज क्या होगी, वो होगी ड्यू डेट और डेट रेंटेड। और तो एक्चुअली वो भी सेम ही थी, यानी एक ही दिन में बंदा दोनों मूवीज लेके गया है। ठीक है क्लास, तो ये दो रोज आपको नजर आ गए। और तीसरी जो एंट्री है उसकी जगह पे क्या नजर आएगा, तीसरी एंट्री में कस्टमर आईडी 105 है और मूवी आईडी 107 है। तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, 107 एक्समैन एक्शन साईफाई PG-13, कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम क्या है, रॉबर्ट पर्सन, उसका एड्रेस 654 समथिंग है, उसका क्रेडिट कार्ड 1122 समथिंग है, वो सारा आ जाएगा। फिर ड्यू डेट क्या है, डेट रेंटेड है 3/12/202 और डेट ड्यू क्या है 3/15/2002। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपने तीन क्वेरीज, तीन टेबल को जोड़ा है मूवी आईडी और कस्टमर आईडी पे, और उसे जोड़ के जितनी भी इंफॉर्मेशन आती थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी है। एनी क्वेश्चन क्लास, यानी शुरू की जो क्वेरीज थी वो सिंपल थी एक एक टेबल से। अब मैं आपको शो करना चाहता था कि आप मल्टीपल टेबल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं और सम ऑन सम कंडीशन। और बाय द वे इसके अंदर आप एक और कंडीशन डाल सकते थे, वो कंडीशन क्या हो सकती थी कि एंड और रेटिंग इज इक्वल टू, रेटिंग इज इक्वल टू PG। इसमें क्या होना था कि सारी मूवीज जो कि कस्टमर ने रेंट की है, सारे कस्टमर ने जो सारी मूवीज रेंट की हैं उनमें से सिर्फ वो वाले रिजल्ट शो करो जिसमें मूवी की रेटिंग जो है वो PG थी, बाकी जो रिजल्ट थे उन्हें इग्नोर कर दो, ठीक है। तो इन दिस केस फिर होना क्या था, तो यहाँ पे फिर होना क्या था कि मैंने आपको इस क्वेरी में तीन रिजल्ट शो किए था ना, उन तीन में से दो रिजल्ट निकल जाते, सिर्फ ये वाला रह जाता क्योंकि ये सिर्फ ये ही PG है। तो आपको क्या लिखा हुआ आ जाता, 104 फील्ड ऑफ ड्रीम्स फैंटसी ड्रामा PG, फिर कस्टमर आईडी 103 रैंडी वोल्फ 789 एल्म स्ट्रीट 4253 4773 6525 जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर है, और फिर डेट रेंटेड 3/12/2002 और ड्यू डेट 3/13/2002। और बाकी जो दो रिजल्ट थे वो इग्नोर हो जाते क्योंकि उनमें रेटिंग जो थी वो PG नहीं थी, वो PG-13 या R थी, हमने स्पेसिफाई किया है कि रेटिंग PG होनी चाहिए। तो क्लास इस तरीके से आप जो भी करना चाहे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस कोर्स में तो मैंने बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, जब आप डेटा बेसिस का कोर्स करेंगे उसमें फिर आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी, बल्कि उसमें फिर नेस्टेड क्वेरीज की कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं कि एक क्वेरी के अंदर आपने एक और क्वेरी रन की है, ठीक है। तो ये फिर आप इसके एग्जांपल और अपने डिटेल में बाद में देख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा जो है फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है कि आप अगर डेटाबेस को मॉडिफाई करना चाहें तो उसके लिए सिलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डेटा रिट्रीव या इकट्ठा करने या देखने के लिए होता है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं डेटाबेस को तो उसमें एक टाइप होती है क्वेरी की, इंसर्ट, अगर आपने नया रिकॉर्ड डालना है। एक होती है अपडेट कि अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना है, और एक होता है डिलीट अगर आपने किसी किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लें, तो पहला एग्जाम्पल है इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। तो इंसर्ट जो है वो बता रहे कि आपकी क्वेरी का टाइप इंसर्ट है, फिर आप लिखते हैं इनटू, फिर आप स्पेसिफाई करते हैं टेबल का नाम जिसके अंदर आपने वैल्यू डालनी है, और टेबल का नाम है कस्टमर,
उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हैं वैल्यूज, वैल्यूज बता रहे हैं कि आपने वैल्यूज आप इंसर्ट करनी है, और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने जो जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो आप डाल देते हैं, और मेक श्योर कि जो फील्ड्स का ऑर्डर था टेबल में, इंसर्ट में आप वही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, यानी टेबल के अंदर सबसे पहले आईडी थी तो इसलिए पहली जो आपने वैल्यू डाली है वो आईडी की है, उसके बाद नाम था टेबल के अंदर तो आपने अगली वैल्यू जो इंसर्ट की है वो नाम है, उसके बाद टेबल के अंदर एड्रेस का कॉलम था तो आपने यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई किया है, और सबसे एंड पे आखिरी जो फील्ड थी वो क्रेडिट कार्ड की थी इसलिए यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड एंड पे लिखा। ठीक है, ये ऑर्डर फॉलो करना लाजमी है, आप ये नहीं कह सकते कि क्रेडिट कार्ड को इधर ले और आईडी को आप यहाँ पे ले आए, ऐसे नहीं होगा। एक और एग्जांपल है, इंसर्ट इनटू कस्टमर। अच्छा, अगर आपने सिर्फ कुछ ही सेल्स के अंदर, कुछ ही फील्ड के अंदर वैल्यू डालनी है, सारों के अंदर वैल्यू नहीं डालनी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लिखें इंसर्ट इनटू कस्टमर जो कि टेबल का नाम है, फिर आप स्पेसिफाई करें कि आप किस किस फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी पहली फील्ड कस्टमर आईडी है जिसमें आप वैल्यू डालना चाहते हैं, अगली फील्ड नेम है, उससे अगली फील्ड एड्रेस है, और उससे अगली फील्ड क्रेडिट कार्ड है जिसमें आप वैल्यू डालना चाहते हैं, फिर आप वैल्यूज लिखेंगे और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो आप पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर सकता था कि इनमें से किसी एक को निकाल देता, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड को निकाल देता यहाँ से और यहाँ से भी निकाल देता, फिर क्या होना था कि पहली वैल्यू 9876 जो है वो कस्टमर आईडी में कॉपी हो जाती, जॉन स्मिथ जो है वो कस्टमर नेम में कॉपी हो जाता, और 602 ग्रीन ब्रायर कोड जो है वो उसके एड्रेस में कॉपी हो जाता, और क्रेडिट कार्ड वाली क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था और यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था तो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन इग्नोर हो जाएगी और वो फील्ड जो है वो खाली होगी। ठीक है, तो ये एक और तरीका है वैल्यू इंसर्ट करने का डेटाबेस के अंदर। तीसरा एग्जाम्पल, हाँ ये जो मैंने अगली बात कर दी है, ठीक है, और बाय द वे पूरा भी कर सकते हैं, कुछ इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर अगर आपने अपडेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप टेबल नेम स्पेसिफाई करेंगे यानी अपडेट मूवी, फिर आप स्पेसिफाई करेंगे कि क्या करना है, यानी हम चाहते हैं कि जॉनरा इज इक्वल टू थ्रिलर ड्रामा हो जाए, और उसके बाद हम कहेंगे वेयर, और यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो स्पेसिफाई कर देंगे, यानी यहाँ पे हमने लिखा है कि टाइटल इज इक्वल टू अनब्रेकेबल, यानी उस टेबल में जहां पे भी टाइटल अनब्रेकेबल था यानी अनब्रेकेबल जो है 106 इसका टाइटल थ्रिलर है, तो हमने क्या कहा है कि इसके टाइटल को थ्रिलर के हटा के चेंज करके थ्रिलर ड्रामा कर दो, तो अब वो जो रो है वो चेंज हो जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉनरा वाली फील्ड चेंज होगी, बाकी वही रहेगी। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट में क्या होता है, आप स्पेसिफाई कर दें कौन सा टेबल है, यानी डिलीट फ्रॉम मूवी वेयर कंडीशन रेटिंग इज इक्वल टू आर, यानी इस टेबल में जितनी मूवीज की रेटिंग आर है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, मूविंग ऑन। ठीक है क्लास, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें कि लेट्स सपोज आपका एक स्टूडेंट डेटाबेस है, आपने स्पेसिफाई करना है कि कितने टेबल होंगे, लेट्स सपोज टेबल जो है वो एक स्टूडेंट टेबल है, एक कोर्स टेबल है और एक स्टूडेंट कोर्स ग्रेड टेबल है, आपने स्पेसिफाई करना है कि इनके अंदर फील्ड्स कौन सी होंगी और प्राइमरी की क्या होगी, और फिर आपने क्वेरी लिखनी है कि रिटर्न एक क्वेरी लिखनी है जो कि स्टूडेंट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न करे, एक क्वेरी लिखनी है जो कि आप आईडी स्पेसिफाई करेंगे तो वो उस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रिटर्न कर देगा, और तीसरी क्वेरी है कि आपने स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और सेक्शन और ग्रेड रिटर्न करना है। चले क्लास, ये डेटाबेस बनाए और फिर क्वेरीज लिखें, यू हैव 10 मिनट्स हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं सर, एक्चुअली 8 मिनट लें फिर डिस्कस करते हैं। और मैं आपके सामने के लिए
जो स्लैक स्टेटमेंट है उसका सिंटेक्स खोल देता हूँ, जेल है ठीक है। तो आपके कौन से टेबल है लिख लें आप जल्दी से कागज पे, एक स्टूडेंट टेबल है, एक कोर्स टेबल है और एक स्टूडेंट कोर्स ग्रेड टेबल है। आपने बताना है कि उनमें क्या क्या फील्ड होंगी और आपने बताना है कि उनके अंदर प्राइमरी की कौन सी होगी और फिर जो है आपने ये क्वेरीज लिखनी है। ये लिख लें ताकि मैं उस सिलेक्ट टेबल के ऊपर चला जाऊं ठीक है। ये दो मिनट में इसे कॉपी कर लें फिर मैं स्लाइड चेंज करने लगा।
All right, class. पहला टेबल होगा स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी, आईडी, नेम, आप जीपीए कह सकते हैं, एज, जेंडर और क्या हो सकता है, एनी आइडियाज, कोई सजेशन देगा, सीएनआईसी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट टेबल वाली चीज होगी। फोन नंबर भी, फोन नंबर आ गया, और कुछ? चले, और इसमें की कौन सी होगी, की क्या होगी, आईडी जो है वो की होगी, क्योंकि आईडी जो है स्टूडेंट की यूनिक होती है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट की होती है, हर किसी की नहीं होती है, सेम, ठीक है। आगे आ जाए, अगला टेबल कौन सा है, अगला टेबल होगा कोर्स। कोर्स में क्या आता है, कोर्स आईडी, सेक्शन, नेम, क्या क्रेडिट आवर्स, क्रेडिट आवर्स और स्टूडेंट काउंट भी, इन सम कैपेसिटी कैप के कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। चले, ये कोर्स हो गया। तीसरा टेबल कौन सा है, तीसरा टेबल था स्टूडेंट कोर्स ग्रेड। इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ग्रेड, ठीक है। ये तीन टेबल मैंने आपसे मांगे थे, और इसके अंदर की क्या होगी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी इकट्ठे मिलके की बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है उसके मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, यानी स्टूडेंट आईडी के यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज होंगी। अगर आपने छह कोर्सेज पढ़े हुए हैं और छह कोर्सेज इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, तो यहाँ पे 12 एंट्रीज होंगे जिसमें स्टूडेंट आईडी आपकी होगी, और कोर्स आईडी भी जो है वो यूनिक नहीं है ऑन इट्स ओन, क्यों, क्योंकि एक कोर्स अगर 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 50 के 50 स्टूडेंट में वही कोर्स आईडी होगी। अलबत्ता स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी इकट्ठे अगर लें तो ये यूनिक है, क्यों, क्योंकि आप एक कोर्स एक दफा ही पढ़ रहे हैं, और अगर आप अगले सेमेस्टर में वही ये कोर्स रिपीट करते हैं तो फिर क्या होगा कि पुराने वाली की एंट्री निकल जाएगी और नए वाले की एंट्री आ जाएगी, तो इसलिए कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी जो है वो इकट्ठे मिलके एक यूनिक की बनते हैं, ठीक है। तो ये तीन टेबल है। अब पहली जो हमने क्वेरी लिखनी थी वो क्वेरी थी रिटर्न द एंटायर इंफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो स्टूडेंट के टेबल में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको रो बाय रो रिटर्न होगी। पहली रो नजर आएगी, फिर अगली रो नजर आएगी, फिर अगली रो स्टूडेंट की रो नजर आएगी, फिर उससे अगले स्टूडेंट की रो नजर आएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक क्वेरी होगी। दूसरी क्वेरी की बात करें तो स्पेसिफाई द आईडी एंड रिटर्न द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, किस स्टूडेंट की, वेयर आईडी इज इक्वल टू, वेयर आईडी इज इक्वल टू, लेट्स सपोज क्या रोल नंबर है, चलो लेट्स सपोज रोल नंबर 1947 है, आईडी 1947 है,
ठीक है, तो जिस स्टूडेंट की आईडी 1947 है उस स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं नजर आएगी। और तीसरी क्वेरी क्या थी, रिटर्न द स्टूडेंट नेम एंड सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम। बेसिकली मैंने स्पेसिफाई किया कि स्टूडेंट टेबल का जो नाम है फील्ड है वो रिटर्न करो, फिर कोर्स डॉट नेम यानी कोर्स टेबल जो है उस टेबल का नाम। याद रखें मल्टीपल टेबल्स में फील्ड का नाम सेम हो सकता है, यानी स्टूडेंट में भी एक फील्ड आईडी है और एक फील्ड नाम है, और कोर्स में भी एक फील्ड आईडी है और एक फील्ड नाम है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आप टेबल का नाम भी स्पेसिफाई करते हैं, यानी सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम यानी स्टूडेंट टेबल में नाम की फील्ड, और कोर्स डॉट नेम यानी कोर्स टेबल के नाम की फील्ड। अगली चीज क्या है, सेक्शन। सेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे वाले टेबल में था, तो ओ सेक्शन में लिखना भूल गया। ठीक है, क्लास जो स्टूडेंट कोर्स ग्रेड टेबल है उसके अंदर सेक्शन भी लिख देना, नहीं एक्चुअली सॉरी कोर्स के अंदर है वो, ठीक है ठीक है, सेक्शन आ गया जो कि कोर्स टेबल के अंदर है। अगली फील्ड की है ग्रेड, ग्रेड सिर्फ और सिर्फ तीसरे टेबल में, तो उसके लिए भी आपको डॉट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे आप क्या करेंगे, फ्रॉम कौन से टेबल से, इसमें आपको कोर्स का टेबल भी चाहिए, स्टूडेंट का टेबल भी चाहिए, और तीसरा टेबल है स्टूडेंट कोर्स ग्रेड। ठीक है, यानी इन तीन टेबल्स को जोड़ के आपने नाम, स्टूडेंट का नाम, कोर्स का नाम, सेक्शन और ग्रेड डिस्प्ले करना। और कंडीशन क्या होगी, वेयर वे स्टूडेंट कोर्स ग्रेड डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट डॉट आई डी एंड स्टूडेंट कोर्स ग्रेड डॉट कोर्स आई डी इज इक्वल टू कोर्स टेबल का डॉट आई डी। ठीक है, तो बेसिकली ये इन तीनों टेबल्स को जोड़ेगा, जो कोर्स की आई डी और स्टूडेंट कोर्स ग्रेड टेबल की आई डी वो मैच होनी चाहिए, और स्टूडेंट कोर्स ग्रेड में स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट टेबल में जो आईडी है वो मैच होनी चाहिए। तो जहां पे भी वो मैच हो रहा है वहां पे रिजल्ट लेके आओ, और उस रिजल्ट में क्या चीज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट टेबल में से नाम, कोर्स टेबल में से नाम, कोर्स टेबल में से सेक्शन, और स्टूडेंट कोर्स ग्रेड टेबल में से ग्रेड की वैल्यू। एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट क्लास, तो यहां पे फिर खत्म करते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह कंप्यूटर और डेटा सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।